हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में और आपको समझाऊंगा कि शोषण का विरुद्ध अधिकार कहलाता क्या है, शोषण क्या होता है और उसके विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि शोषण क्या कहलाएगा, किसको आप शोषण कहेंगे। शोषण शब्द को आप समझिए पहले, फिर इस शोषण के खिलाफ आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कोई आपका शोषण ना कर पाए इसके लिए कुछ अधिकार आपको क्या है यहां पर प्रदान किए गए, क्या कहलाएगा। अगर शोषण की हम बात कर रहे हैं तो शोषण किसको कहा जाएगा, आपका कोई दुरुपयोग कर ले, है ना, दुरुपयोग। या हम क्या कर रहे हैं, गलत उपयोग कह दें, गलत उपयोग कह दें, ज्यादा दोहन कह दें, मान लीजिए गलत उपयोग। शोषण का मतलब क्या होगा, कोई मजदूर आया आपके यहां काम करने के लिए, मजदूर जनरली 10 बजे आता है काम करने के लिए और 10 से 5 तक वो काम करता है, ये उसका काम करने का टाइम होता है और उसके लिए आप उसको 300 से 400 रुपए पर डे पे करते हो, ये उसकी फीस होती है जो वो मजदूरी करने का आपसे चार्ज लेता है। लेकिन आपने उससे क्या बोला कि नहीं आप आए हो काम करने तो कोई दिक्कत नहीं, बोले तुम 10 बजे आ गए हो तुमको 10 से 8 रहना पड़ेगा, बेचारा रह भी गया और आपने अमाउंट भी कितना दे दिया, 200 रुपए दे दिया, तो ये क्या हुआ, उसका शोषण हो गया कि आपने उसका समय ज्यादा ले लिया। यहां पर आप देखें समय ज्यादा ले लिया और पैसे कम दे दिए, ये क्या हो गया, उसका शोषण हो गया। अगर वो ये 3 घंटे कहीं और काम करता तो हो सकता 100 रुपए की जुगाड़ वो और कर लेता और अपने घर वालों को अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाता, ये शोषण है। तो इस प्रकार का शोषण ना हो पाए, कई सारे तरीके के शोषण होते हैं, आपने सुना होगा शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, है ना, तो ये इस प्रकार के शोषण ना हो पाए इनके, इसी के लिए इसके खिलाफ कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको हम शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। देखो अब यहां पर हम बात किसी कर रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की। सबसे पहला ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां कहां तक जाएगा, आपका अनुच्छेद 23 और 24 में जाएगा, ये दो अनुच्छेद आएंगे, और मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अब यहां पर एक एक करके बात करते हैं, मानव दुर्व्यापार क्या कहलाएगा, मानव दुर्व्यापार क्या कहलाएगा, आपको इस पर बात करनी पड़ेगी कि मानव दुर्व्यापार, आप किस चीज को मानव दुर्व्यापार कहेंगे। तो मानव दुर्व्यापार से मतलब जो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसके 2-3 मतलब अपन निकाल लेंगे, क्या मतलब हो जाएंगे, एक मतलब तो आप यहां पर निकालेंगे कि मानव को खरीदा बेचा ना जाए, मानव को खरीदा बेचा ना जाए, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, मानव अंगों को खरीदा बेचा ना जाए, और तीसरी चीज मानव को खरीदा बेचा ना जाए, मानव शरीर के अंगों को खरीदा बेचा ना जाए, और तीसरी चीज क्या जाएगी जिसको आप कहते हैं वैश्यावृत्ति। ये तीनों तो आ गई मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि मानव को खरीदा बेचा ना जाए, तो आपने क्लास 9th में क्लास 10th में आपने पढ़े हैं, जैसे अगर आप क्लास 9th भारत का राष्ट्रवाद आप पढ़ते हैं तो वहां पर बाबा रामचंद्र की कहानी पढ़ी होगी, गिरमिटिया मजदूर, आपने सुना होगा, मजदूरों को यहां से खरीद कर, अफ्रीका का किस्सा पड़ा होगा, खरीद कर जहाजों में भर देते थे, सील लगा देंगे उनके हाथ पर, दाग देंगे और उन्हें भेज देंगे अमेरिका अमेरिका। तो ये मानव को खरीदना बेचना कैसे, वस्तु के तरीके से, कैसे वस्तु के तरीके से आप इसको खरीद बेच नहीं सकते हैं, ये गलत माना गया है। ऐसे ही आप मानव को नहीं खरीद रहे हैं, कई बार मानव के अंगों का भी आप देखते होंगे, उसके शरीर के अंगों का भी लोग किडनी खरीदना बेचना और ये चोरी कर लेना, ये सब फालतू की बातें। तो ये मानव के शरीर के अंगों को भी आप क्या है, खरीद बेच नहीं सकते हैं, ये भी दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा, बैड बिजनेस कहलाएगा। वैश्यावृत्ति तो आप देखते होंगे, वैश्यावृत्ति में अगर आप देखें तो इसमें खास तौर से जो गरीब इलाका होता है वहां की महिलाओं के साथ या वहां की जो महिलाएं कहते हैं या लड़कियां, है ना, इनके साथ क्या होता है, इनको धोखे से काम के बहाने कहीं लाते हैं और उनको किस चीज में फेंक देते हैं, उनको यहां पर वैश्यावृत्ति में फेंक दिया जाता है और यहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देखें तो ये भी तीनों चीजें क्या है, भारत में इनको इलीगल बोला गया है, ये असंवैधानिक होगी, अगर आप ये करेंगे तो आपको सजा मिल सकती है।
अब इनके अलावा एक आ रही है बंधुआ मजदूरी, है ना, एक चीज आ रही है जिसको आप क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बंधुआ मजदूरी कह रहे हैं। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या हो जाएगा? तो बंधुआ मजदूरी का मतलब हो जाएगा कि अब यहां पर बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है कि आपको मालिक बदलने का अधिकार नहीं है, मालिक बदलने का अधिकार नहीं है। पगार ज्यादा पाने का या पगार के बारे में बात करने का, है ना, पगार के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। मतलब आप जिसके यहां काम कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर काम करते, कटप्पा सुने ना, कटप्पा बंधुआ है, सिंहासन का बंधुआ है, जो सिंहासन में बैठेगा उसकी सेवा करेगा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कटप्पा सबने देखा होगा बाहुबली पिक्चर, सब कटप्पा बंधुआ मजदूर के तरीके से आप उसको मान सकते हैं कि वो सिंहासन को उन्हें वचन दे दिया तो अब वो मालिक नहीं बदल पा रहे हैं अपना, भले उनको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है कुछ भी कर रहा है लेकिन वो मजबूरी में उसका साथ देते हैं, और आपने देखा भी ये पिक्चर में। तो यही क्या हो जाएगा कि बंधुआ मजदूरी जो है मालिक नहीं बदल सकते, चाहे वो पगार मिले या ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, कोई मतलब नहीं, अच्छा लगे ना लगे आप मालिक नहीं बदल पाएंगे। तो ये बंधुआ मजदूरी पर भी यहां पर रोक लगाई गई है कि बंधुआ मजदूरी भी नहीं होगी। तो ये किसमें आ गया आपका, हमने सारी बातें कर ली अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अब हम बातें किसी करेंगे तो हम अगले आर्टिकल पर बात करने वाले हैं कि जोखिम वाले काम में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, और ये किस में जाएगा, ये आ जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो जो जोखिम वाले काम है जिसमें आप बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते, जैसे 16 साल तक की बच्चों से आप यहां पर मजदूरी नहीं करा सकते, 14 साल के बच्चों तक से आप यहां पर मजदूरी नहीं करा सकते, तो कहां पर, खतरनाक कारखानों में, कहां पर, खतरनाक कारखानों में, खतरनाक कारखानों में। खतरनाक कारखानों में आप इनसे मजदूरी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि आप यहां पर मान लीजिए मजदूरी करवाई, पत्थर की खदान में आप ले गए, पत्थर इनके पैर पर गिर गया, तो ये जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। तो अब इनको अपना जीवन जीना है इस कारण से, और ये हो सकता है बच्चे हैं समझ ना पाए तो इनको ऐसी जगह पर ना ले जाएं। आप केमिकल इंडस्ट्री में नहीं ले जाएंगे, कहां पर, रासायनिक उद्योग में नहीं ले जाएंगे, जहां पर क्या है कि इनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, आंख में रोशनी चली जाए, स्किन खराब हो जाए। तो ऐसे पहले शुरुआत में जो 16 कारखाने थे उनमें नहीं डाला जाएगा। बाद में इसमें संशोधन किया गया कि बच्चों से किसी भी प्रकार की, है ना, बच्चे जो है वो किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करेंगे, मजदूरी पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने, देश का भविष्य संभालने की बात की गई कि इनको पढ़ने लिखने दिया जाए, ये देश का भविष्य संभाले, ये पढ़ेंगे लिखेंगे जितना अच्छा, ये आगे बढ़ेंगे जितना अच्छा स्किल सीखेंगे उतना अच्छा देश भी आगे बढ़ेगा, ऐसा यहां पर कहा जा रहा था। तो जोखिम वाले कामों में आप बच्चों से मजदूरी नहीं कराएंगे, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बात की गई थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार थे जिसमें हमने अनुच्छेद 23 और 24 की बात की। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना। हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आपको अगर ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। धन्यवाद।